व्यापार मंडल सोलन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता की अध्यक्षता मुकेश गुप्ता ने की। गुप्ता ने बताया कि व्यापारियों के हितों के लिए सोलन को 24 जोनों में बांटा गया है और लोगों की समस्याएं सुनने के लिए वहां पर प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सोलन व्यापार मंडल को आधुनिक बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। गुप्ता ने कहा कि व्यापार मंडल ने व्यापारियों से जुड़ी मांगों को संसद तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जिसमें जीएसटी और मार्केट फीस अहम मुद्दे रहेंगे। सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने कहा कि सोलन के व्यापार मंडल को हिमाचल में नंबर पर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें वह व्यापारियों को स्मार्ट कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे जो आधार कार्ड से लिंक होंगे। साथ ही उन्हें व्यापार मंडल की तरफ से सर्टिफिकेट भी जारी किए जाएंगे और उन्हें सोलन व्यापार मंडल की वेबसाइट से भी उन्हें जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट कार्ड पर व्यापारियों को जाने माने अस्पतालों में भी डिस्काउंट उपलब्ध होगा और आने वाले समय में स्मार्ट कार्ड पर ही वह वोट डाल अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर पाएंगे। सोलन का व्यापार मंडल है, ये एक बहुत ही आधुनिक व्यापार मंडल होगा। इसकी अपनी एक वेबसाइट जिसपे अभी काम चल रहा है, बहुत जल्दी ही उसकी लॉन्चिंग भी कर दी जाएगी। इसके साथ साथ ही हरेक व्यापारी का एक स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा जो कि आधार के साथ लिंक होगा और उस आधार कार्ड को वह व्यापारी जो है जगह जगह पर इस्तेमाल कर सकेगा। हमारी बड़े बड़े हॉस्पिटल से हमें प्रपोजल आई है कि जो व्यापारी अभी भी उनके पास जाकर इलाज करा रहा है और अगर सोलन व्यापार मंडल का स्मार्ट कार्ड अगर वहां पर यूज होता है तो उसको वहां पर डिस्काउंट भी मिलेगा। स्मार्ट कार्ड है वो एक कार्ड बिल्कुल विधानसभा चुनाव की तरह इसका इस्तेमाल होगा। आगे जब भी हमारा चुनाव होगा तो उस कार्ड से ही वोट कास्ट की जाएगी, उसी के आधार पर जो है हमारी वोटर लिस्ट तैयार होगी जिसमें कि फोटो के साथ में व्यापारी का एड्रेस नेम सब कुछ होगा और वोट कार्ड दिखाकर ही वोट डाल सके। हिमाचल की सरकार है उससे भी हम ये जो बजट भी आ रहा है उसके अंदर भी हम ये प्रावधान चाहते हैं कि व्यापारी के स्वास्थ्य के लिए और अकस्मात अगर उसकी कोई मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए बजट में प्रावधान किया जाए ताकि उसके परिवार को भी अंशदान मिले और वो आगे की अपनी जिंदगी जी सके।